हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल वनडे चिकन भी। हम लोग आज की क्लास में जो कि मेरा क्लास नंबर 4 होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसके जो पीछे 3 क्लासेस हुए हैं उसमें हम लोगों ने बेसिक सब जितने भी चीज़ें हैं वो सब मैंने किया है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, और फिर आज जो कंजुगेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है, ये सारे चीज़ें यानी कि जो भी बेसिक लेक्चर है वो हो चुका है। और अगर आपको नहीं देखे हुए हो, अगर आपको देखना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हो। आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो बेसिकली मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का होगा, कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे होगा। कंजुगेट हम लोग देख चुके थे, यहाँ तक कि कंजुगेट के प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, केवल डिस्कस नहीं बल्कि एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग जो है वो प्रूफ भी किए हुए हैं। तो वहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर के जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं, सॉरी कंजुगेट का जो भी प्रॉपर्टी होते हैं उन सभी को हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया है। और आज जो डिस्कस होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का होगा, और वो होगा मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग हेडलाइन डाल लीजिए, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, कैसे होता है, चलिए उस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए कम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, तो बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर होते हैं जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, यानी कि जो नंबर की इस फॉर्म में रहा उसी को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली यहाँ पर जो ये आई है ये बेसिकली आईटा है, ये इमेजनरी नंबर है, और ये जो वाई है ये बेसिकली एक रियल नंबर है, ये एक्स है ये भी एक रियल नंबर है, और इस पार्ट को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं और इस पार्ट को हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। हाँ ना, ये सारी बातें, ये सारी बेसिक बातें हैं मैंने बता रखा है, ये इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको कहते हैं पूरे को रियल पार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिल करके बनते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के एक कह सकते हैं कंपोजिशन है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट, ये सारी चीजें जो है वो अभी तक जो मेरे अनुसार कि आपका क्लियर होगा। तो होता क्या है ना कि बेसिकली कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसमें एक ये है रियल नंबर और एक ये है रियल नंबर, ये तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ये तो रियल नंबर मेरा होंगे ही होंगे, और जब ये दोनों रियल नंबर होगा तो फिर कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मॉडुलस क्या है, तो मॉडुलस को समझाने के लिए या मॉडुलस को समझने के लिए, ठीक है, माफ कीजिएगा भाई थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आवाजें जा रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ। बेसिकली ये क्या है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो होंगे वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होंगे, और वहां पर दो रियल नंबर मेरा इस तरह से होगा। ठीक है, और इसको हम इस तरह के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि ये इसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर कह लो, कोऑर्डिनेट कह लो, इसको लिख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो मॉडुलस होता है कम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस को समझने के लिए, ये बेसिकली अभी मैं मॉडुलस नहीं बता रहा। ठीक है, अभी मैं मॉडुलस को बता ही नहीं रहा हूँ, मॉडुलस को समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक सब जानकारियां हैं वो पहले मैं आपको पहले दे दूँ, और इसके बाद मॉडुलस को देखेंगे। मॉडुलस कुछ है कि बेसिकली मैं अभी एक लाइन लिखूंगा और सबको पता चल जाएगा कि मॉडुलस क्या है। ठीक है, मैं एक लाइन अभी लिखूंगा, मॉडुलस क्या है कम्प्लेक्स नंबर का वो सबको पता चल जाएगा, लेकिन जब पढ़ना है भाई तो फिर बेसिक से पढ़ो, सारा चीज पढ़ो। ठीक है, तो क्या है कि अभी थोड़ा सा जो है वो सब्र करना पड़ेगा, कम से कम 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट्स जो है वो कम से कम थोड़ा सा सब्र कीजिए, अपने आप मॉडुलस आ जाएगा। ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, ये इस फॉर्म में रहते हैं, और ये दोनों इसका रियल नंबर कहलाता है। कौन दोनों, ये जो यहाँ पर जो ये वाई है और यहाँ पर जो ये एक्स है, ये दोनों इसका रियल नंबर होते हैं, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग टू ईच कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर क्यों ना हो, कोरस्पॉन्डिंग टू ईच कम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई such that x and y are real number, ठीक है,
जितने भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, यहाँ पर क्या है कि x और y दो यहाँ पर एक दो जो क्या कह सकते इसको आप x और y यानी कि जो वेरिएबल है ये दोनों, ये बेसिकली एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है, ये एक रियल नंबर ही होगा x और y, ठीक है, ये एक रियल नंबर होगा। तो ये जब एक रियल नंबर होगा तो फिर यानी कि या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इस लैंग्वेज को थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये ना लिख करके लिख दो यहां पर देर एग्जिस्ट, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, कि देर एग्जिस्ट x और y रियल नंबर, ठीक है। वहां पर क्या है कि ये कम से कम ये दो जो वेरिएबल है x और y, ये दोनों जो है वहां पर वो रियल नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेनेरिकल स्ट्रक्चर्स आई वाई ही क्यों ना हो, लेकिन वहां पर x और y ये दोनों रियल नंबर होगा, ठीक है। ये जो x और y है ये बेसिकली वहां पर एक रियल नंबर होगा, और जब ये रियल नंबर होगा तो देन इट इज रिटन एज इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एस, ठीक है, यानी कि एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हम लोग इसको इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं एक्स कमा वाई, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स कमा वाई, ठीक है, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए इस लाइन में पहले आप नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। चलिए हो गया है नोट, बिल्कुल सही। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर के रूप में अगर लिखा जा सकता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है इस तरह से कि रिटन एज एक्स कमा वाई, ऐसा अगर लिखा जा सकता है, तो यहां से एक ही चीज पता लगता है मेरे भाइयों कि एक्स कमा वाई जब इसको इस तरह से लिखा जा रहा है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं ये जो आप एक्स कमा वाई है, ये कोऑर्डिनेट जो यहां पर है दिया गया ऑर्डर पेयर, ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, ऑब्वियस होना ही है, ये कोई ना कोई एक पॉइंट होगा, और पॉइंट होगा तो कोई ना कोई एक प्लेन पे ये लाई करता होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सीम्स एक्स कमा वाई इज रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट, कहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पॉइंट के रूप में ऑन द प्लेन, ठीक है, प्लेन, ठीक है, प्लेन पे इसको जो है एक पॉइंट के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली यहां पर एक रियल नंबर ये एक्स है और दूसरा रियल नंबर ये वाई है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन में, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहां पर, प्लेन में उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक। अब इतनी बातें तो क्लियर हो गई, और इतनी बातें तो चलो आप भी समझ रहे हो, आगे की ओर चले। और देखिए कोई भी अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रखता है तो उसको हम यहां पर जो दिखा भी सकते हैं, सपोज दैट ये कर लेते हैं कि ये जो यूनिट है ये एक्स यूनिट है, हाँ ना, ये एक्स यूनिट है, और ये जो मेरा यूनिट है ये मेरा वाई यूनिट है, ये मेरा वाई यूनिट है। तो इसका मतलब कि ये जो एक्स कमा वाई है ये पॉइंट मेरा यहां पर लाई करेगा, हाँ ना, ये पॉइंट मेरा यहां पर लाई करेगा, ये एक्स है ये यूनिट वाई है तो ये पॉइंट में यहां पर लाई करेगा, और यहां से आप इसको देख सकते हो कि ये इसका क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ये यहां पर 90 डिग्री पर ये काटेगा, हाँ ना, यहां पर ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का, तो यहां पर ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। और जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई के रूप में ऐसे जब लिखा जा सकता है ऑर्डर पेयर के रूप में, तो उसको हम कहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन में, तो ये मेरा एक प्लेन है और उसमें इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें रिप्रेजेंट करने का ये मतलब हुआ कि अगर ये x है तो यानी कि x एक्सिस वाले में जो ये होगा डिस्टेंस वो x डिस्टेंस होगा, और जो ये y है मेरा सेकंड कंपोनेंट ये वाला होगा मेरा y, ठीक है, ये वाला होगा मेरा y। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये x है और ये y है, और इस पॉइंट को हम लोगों ने एक प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया, अच्छी बात है आपने कर दिया। लेकिन इसके बाद जरा सा आप यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता होता है कि ये बेस है ये परपेंडिकुलर है,
तो ये वाला क्या होता है, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आपको कि ये वाला अगर एच है तो हमेशा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम। और जब ये कहता है तो यहां से हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपका रूट अंडर हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो उसी तरह से यहां पर अगर मैं इस हाइपोटेन्यूज को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया उसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज को निकाला जैसे कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ये पाइथागोरस थ्योरम है। और उसी तरह से यहाँ पर भी तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का बना रहा, और जब वो एंगल 90 का बन रहा है तो यहाँ पर आराम से हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ये इतना चीजें जो है वो समझ में आती है कि हाँ चलो ये एक ऑर्डर पेयर है, इसको हमने चेंज भी कर दिया और इस तरह से ये एक्स यूनिट हो गया, ये हो गया इस तरह से इसका वाई यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली मॉडल्स को आप हम लोग समझ जाएंगे कुछ देर में, बस अब वो घड़ी आ ही गई है, लेकिन इसको आप पहले नोट कीजिए, इस चीज को आपको नोट नहीं करना है, ये समझाने के पर्पज से मैंने किया। चलिए देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है और वो है जैसे कि 3 प्लस 2i, तो क्या इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन में या नहीं, तो आराम से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेट जो फॉर्म होगा वो बिल्कुल यहाँ पर 3.2 होगा, 3.2 होगा, क्योंकि 3 प्लस में है और 2 भी प्लस में है, ये 3.2 होगा। अगर मान लेते हैं कि दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं और वो ले लेते हैं -3 प्लस 5i, तो इसका भी कोऑर्डिनेट हम तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये हो गया -3 और ये हो गया -5। तीसरा कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ मैं और वो ले लेता हूँ इस तरह से कि 9 माइनस 6i, तो इसका भी हो सकता है बिल्कुल यहाँ होगा 9 कमा माइनस 6, यानी कि 9 लाई करेगा एक्स एक्सिस पे और -6 लाई करेगा कहाँ पर, वाई एक्सिस पे। इसके बाद जो भी पॉइंट होगा वो आप निकाल सकते हो। जैसे कि और भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि कोई है ऐसा 5, तो इसका भी कोऑर्डिनेट तैयार बिल्कुल हो सकता है, वो होगा 5.0। चूंकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर एब्सेंट है और इस वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इस तरह से +0i है, तो ये हो गया 0। उसी तरह से अगर मैं ये कह दूँ कि 9i है तो ये हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर रहता है तो उसको हम लोग इस तरह से कोऑर्डिनेट को फॉर्म करके और उसको हम लोग प्लेन में इस तरह से उसको लिख सकते हैं, ठीक है, प्लेन में उसको हम लोग एज अ पॉइंट इंडिकेट कर सकते हैं, किसको, कम्प्लेक्स नंबर को। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने देखा कि एक पॉइंट के रूप में हम लोग उसको प्लेन पे इंडिकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है और इस तरह से अगर कम्प्लेक्स नंबर रहता है तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बिल्कुल एक बना करके ऑर्डर पे और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी तक जो है वो आपका पता नहीं ध्यान गया होगा या नहीं गया होगा, अब ये चीज देखिए कि जो रियल पार्ट है, बिल्कुल ये जो मेरा ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसमें ये रियल पार्ट है, इसमें ये रियल पार्ट है और इसमें रियल पार्ट मेरा 0 है, ठीक है। यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, 0 प्लस कुछ होगा, तो ये यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो जो रियल पार्ट है, बिल्कुल जो रियल पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस में ही लाइ करेगा, कहीं और नहीं। जैसे कि 3.2 है तो 3.2 है वो मेरा करीब करीब कहाँ पर रहेगा, अगर ऐसा अगर समझे तो फिर ये 3 कहीं कहीं यहाँ होगा, फिर 2 होगा तो ये यहाँ होगा, तो यहाँ, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 3.2। तो है क्या कि जो ये 3 है वो लाइ कर रहा है कहाँ पर, एक्स एक्सिस में, और जो ये इमेजिनरी वाला जो पार्ट है यानी कि 2 वो कहाँ पर लाइ कर रहा है, वाई एक्सिस में। इसका मतलब एक ही हुआ कि जो रियल पार्ट होते हैं वो एक्स एक्सिस पर लाइ करती है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो मेरा वाई एक्सिस पर लाइ करती है। इसका एक मतलब ये हुआ कि यही एक सिर्फ कारण है जो कि आप लोग बचपन में पढ़ते भी हो गए कि एक्स एक्सिस को जो है इसका 3-3 नाम आप लोगों ने सुना होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। सबसे पहला नाम कि पहले तो ये सिखाया जाता है कि इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। जब आई क्लास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसको एब्सिसा भी कह सकते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर जब और आगे क्लास बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसको हम लोग
रियल एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग इमेजनरी एक्सिस कहते हैं। कारण पता चल गया होगा आपको, बिकॉज ही इमेजनरी पार्ट ही हमेशा वाई एक्सिस में रहती है। इमेजनरी पार्ट को नहीं, इमेजनरी पार्ट को जैसे यहाँ पर 2 था, तो ये 2 क्या है, इमेजनरी पार्ट है, और इसी को हम लोग वाई एक्सिस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसीलिए वाई एक्सिस का यहाँ पर नाम हो जाएगा इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो वाई एक्सिस है इसका 3-3 नाम है। पहला हो गया वाई एक्सिस, ये तो लोग बोलते ही है। दूसरा हो गया ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, और तीसरा हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ये तीनों नाम किसका हो गया, ये तीनों नाम हो गया वाई एक्सिस का। उसी तरह से एक्स एक्सिस का भी 3 नाम हो गया। पहला हो गया कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से भी बुलाते हैं। दूसरा हो गया इसको हम लोग एब्सिसा के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया इसको हम लोग रियल एक्सिस भी कहते हैं। इसको हम लोग रियल एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि जो कंप्लेक्स नंबर होते हैं उसका रियल पार्ट हमेशा इसी एक्सिस पर लाइक करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं इमेजनरी एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, तो इसको कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस, इसको कहते हैं एब्सिसा, तो इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब आप लोगों को खूब अच्छे से पता लग गया होगा कि कैसे कैसे करके जो है वो रियल नंबर सॉरी कंप्लेक्स नंबर को कैसे कैसे करके हम लोग इंडिकेट करते हैं, और कैसे कैसे एक्सिस का जो है वो नाम चेंज होता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी तक क्या है कि आप लोगों को केवल बताया गया होगा कि इसको कहते हैं रियल एक्सिस, इसको कहते हैं इमेजनरी एक्सिस, लेकिन आज आप लोगों को बिल्कुल कारण भी पता चल गया कि x एक्सिस को रियल एक्सिस क्यों कहते हैं और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस क्यों कहते हैं। कारण एक ही है, क्योंकि जो रियल पार्ट है वो लाई करता है हमेशा x एक्सिस में, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमेशा लाई करता है y एक्सिस में। कारण यही है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कीजिए। चलिए हो गया है। देखिए, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब तक आप लोग यहां तक समझ चुके हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक, उसको हम लोग एक ऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर को कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग एक ऑर्डर पेयर के रूप में लिख सकते हैं, और उसको हम लोग प्लेन पर भी इंडिकेट यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है। ठीक है, डिनोटेड एज ऐसे। ठीक है, जैसे कि हम लोग मॉड को डिनोट करते हैं, उसी तरह से हम लोग इसको कंप्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट कर रहे हैं, और यहां पर ये मॉड लगा दिए। ठीक है, तो इसको डिनोट तो ऐसे ही किया जाता है, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, डिफाइंड एज कि मॉड जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई भी कंप्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई अगर है, कोई भी कंप्लेक्स नंबर अगर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, तो उसको हम लोग मॉडुलस को इस तरह से डिनोट करते हैं, और उसको डिफाइन करते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि कुछ नहीं, यही चीज कहलाता है मॉडुलस ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर। ये जो चीज है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही चीज कहलाता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, यही चीज कहलाएगा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या है कि जो पहले जो भी कहानी हम लोग बनाए, ठीक है, तो वो क्या था, एक बेसिक से था। अभी मॉडुलस आराम से समझ में आ गया, मैंने कहा ना कि अभी एक लाइन लिखूंगा समझ में आ जाएगा। तो कोई मॉडुलस क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसे ही इसको डिफाइंड किया गया है। ठीक है, यानी कि ये है अगर x और ये है अगर y यूनिट, तो फिर ये वाला जो लाइन होगा, ये जो होगा इसका स्लोप, जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं, ये जो इसका स्लोप होगा बेसिकली वही कहलाता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ग्राफ में इस तरह से जब प्लॉट करते हैं, यानी कि एक प्लेन में जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उसका स्लोप होता है वही बिल्कुल कहलाता है उसका मॉडुलस। यहां तक क्लियर हो गया कि किसको कहते हैं मॉडुलस। बिल्कुल, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह से 2 प्लस 3i,
तो उसका मॉडुलस क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होगा और प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 9 यानी कि रूट अंडर 13। तो यानी कि रूट अंडर 13 जो निकला यही निकला उस कम्प्लेक्स नंबर का मोड, तो यही निकला उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकला। और मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह से ही निकालते हैं अगर कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहे तो। चलिए नोट हो गया है। देखिए अब जो है कुछ रिजल्ट है उसको मैं आपको दिखा दूं कि मॉडुलस के बारे में कुछ रिजल्ट बिल्कुल है यहाँ पर। जैसे कि मैंने सपोज किया कि z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, ठीक है, और कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, x माइनस आई वाई। कंजुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के आगे में केवल साइन चेंज हो जाता है, अच्छी बात है। अब देखिए कि z का अगर मैं मॉडुलस निकालूंगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आराम से हो जाना है। और अगर मैं कंजुगेट ऑफ z का मॉडुलस निकालूंगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि मॉडुलस ऑफ z और कंजुगेट करके मॉडुलस निकालें तो वो दोनों चीज इक्वल होती है, वो दोनों चीज क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का केवल मॉडुलस निकालो या फिर उसका कंजुगेट करके मॉडुलस निकालो, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। आपस में उन दोनों का वैल्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर में ये एक रिजल्ट हमको मिल गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कम्प्लेक्स नंबर का केवल मॉडुलस ऐसे ही निकाल लो या फिर उसे कंजुगेट करके मॉडुलस निकालो, वैल्यू जो है वो इक्वल ही आया है। चलिए इसको भी नोट कीजिए। चलिए हो गया नोट, बहुत अच्छी बात। अब क्या करेंगे, अब एक दूसरा रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि z इंटू जेड कंजुगेट, ये जरा से हम लोग करके देखते हैं। z इंटू जेड कंजुगेट, z कितना है, x प्लस आई वाई है, और z कंजुगेट कितना है, x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई। अब केवल इंटू करना है, ये इसे इंटू होगा एक्स स्क्वायर आएगा, ये इसे इंटू होगा तो माइनस आई वाई एक्स आएगा, ये चीज इसे इंटू होगा तो माइनस आई वाई एक्स आएगा, सॉरी प्लस आएगा, ये इसे होगा, हाँ ये इसे जब होगा तो ये आएगा माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आया ना, आ गया। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस रहा, क्या एक्स स्क्वायर रहा, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होगा, माइनस वन यहां से प्लस कर देगा इसको, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और इधर वाई स्क्वायर हो गया। यानी कि जेड इंटू जेड कंजुगेट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट निकल करके आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इसको अगर ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो जैसे कि यहां पर ये चीज है, अब मैं इसको अगर स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये मॉड जेड का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ यार, केवल इस लाइन को ये हम लिख सकते हैं, यानी केवल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग मॉड जेड का होल स्क्वायर को लिख ही सकते हैं, यानी कि z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो यहां से एक रिजल्ट बनकर के आता है कंजुगेट का, सॉरी मॉडुलस के बारे में, कि मॉडुलस और कंजुगेट का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो मॉडुलस और कंजुगेट का यहां पर एक रिलेशन भी निकल करके आता है कि कंप्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को इंटू कर दोगे तो जो मॉडुलस होगा उस नंबर का, कंप्लेक्स नंबर का, उसके स्क्वायर के वो बराबर आएगा, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज, हाँ दूसरी बात है कि अगर यहां से आप जेड कंजुगेट अगर निकालना चाहो, चलिए यहां निकालता हूं, ठीक है ना, हाँ जेड कंजुगेट मैं अगर निकालना चाहूं तो मॉड जेड का होल स्क्वायर अपॉन में ये जेड हो जाएगा, ये इंटू में है उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जेड कंजुगेट है, इसको इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो ये मॉड जेड का होल स्क्वायर डिवाइड में आ गया, इधर बच गया वन बाई जेड, और वन बाई जेड को ही हम लोग जेड इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं, जेड पे पावर माइनस वन ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना कि वन बाय एक्स है कोई भी नंबर, उसको हम लोग एक्स इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ये वन बाय जेड बचता और अंतिम में इसको हम लोग जेड इनवर्स लिख सकते हैं।
तो यहां से ये भी रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं भी आपको अगर इनवर्स अगर पूछ दिया जाए कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका इनवर्स निकालो, तो इनवर्स कैसे निकालना है कि उसका एक बार कंजुगेट करके ऊपर में रख देना है और बाकी उसका मॉडुलस निकाल करके स्क्वायरिंग करके यहां पर रख देना है, ठीक है, और वो उसका निकल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकल जाएगा। तो यहां से जो है कम से कम दो रिजल्ट ऐसा होगा जो कि आपको याद रखनी होगी, पहला रिजल्ट ये होगा और दूसरा रिजल्ट ये होगा। ये दोनों रिजल्ट जो है जो मेरा निकल कर आया है कंक्लूजन उसको बिल्कुल आप याद रखोगे। और इससे पहले वाला जो एक रिजल्ट था कि जेड मॉड जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट, है ना, लिखने का आवश्यकता नहीं, इसके पहले मैंने लिखा मैं ऐसा मॉड जेड इज इक्वल टू ये वाला, ये भी रिजल्ट अपने आप में बेहतरीन है, इसको भी आप याद रखोगे कि कोई भी कंप्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो उस कंप्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉडुलस का भी इक्वल होता है, वो भी रिजल्ट अपने आप में बेहतरीन है। तो एक वो रिजल्ट और यहाँ बाकी ये दो रिजल्ट, ये दोनों याद रखने वाली चीज होगी, ठीक है। और कैसे आया नहीं आया वो तो मैंने प्रूफ करा ही दिया कैसे आया नहीं आया, हाँ ना। तो इस तरह से आप लोग केवल इस तीन रिजल्ट को जो है वो ध्यान में रखोगे और इसके बाद उसको नोट कीजिए। चलिए हो गया है नोट। देखिए अब हेडलाइन लगा लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। हाँ, जैसे कि हम लोग कल पढ़े हुए थे कि कंजुगेट प्रॉपर्टी क्या है, और उसको हम लोग ना ही केवल पढ़े थे बिल्कुल उसको हम लोग प्रूफ भी किए हुए थे। तो वहां पर तो कंजुगेट का तो मैंने पांच पांच प्रॉपर्टी मैंने लिखाया और उसको प्रूफ भी कराया, लेकिन मॉडुलस का जो प्रॉपर्टी होता है वो बिल्कुल यहाँ पर इसका दो प्रॉपर्टी होगा और उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसको देख लें कि अगर जेड वन है और इंटू में जेड टू है और होल मोड है तो ये हो जाता है जेड वन का मोड और इंटू में जेड टू का मोड, ठीक है, अलग अलग। अगर पूरे में मोड है तो फिर ये जेड वन में मोड बढ़ जाता है और इंटू जेड टू में मोड बढ़ जाता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये इसका है पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इसका है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर जेड वन बाय जेड टू का होल अगर मॉड रहता है तो जेड वन का मॉड हो जाता है और अपॉन में जेड टू का भी मॉड हो जाता है, ये उसका है दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां भी इसको छोड़ सकता हूं, लेकिन नहीं 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 ये धोखा तो हमसे होगा नहीं, तो मैं इसको प्रूफ भी पहले कराऊंगा, ठीक है, कि इसका प्रूफ क्या है कि ये ऐसा होगा या नहीं पहले मैं इसको बताऊं। सपोज दैट कि जेड वन को हम लोग मान लीजिए ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, और जेड टू को हम लोग मान लीजिए सी प्लस आई डी, जेड टू को मान लीजिए हम लोग सी प्लस आई डी। अब क्या कहेंगे कि जेड वन इंटू जेड टू पहले हम निकालेंगे और फिर उसका मॉड निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो जेड वन इंटू जेड टू जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ये ए प्लस आई बी होगा और इंटू में सी प्लस आई डी होगा, हाँ ना, इंटू केवल करना है, ए से दोनों को इंटू करेंगे तो ये होगा आई बी ए, और ये यहाँ से इंटू होगा तो ये होगा आई बी सी, ये यहाँ से इंटू होगा ये होगा आई स्क्वायर बी डी, यानी कि ये होगा ए सी, ये आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, माइनस से ये माइनस गया, ये हो गया माइनस बी डी, ये हो गया इसका रियल पार्ट, प्लस यहाँ से आई को अगर कॉमन कर ले तो यहाँ बचेगा डी ए, यहाँ बचेगा बी सी। तो यानी कि ये जो निकला ये निकला मेरा जेड वन इंटू जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू, लेकिन अब जब इसका हमको मॉड निकालना है तो मॉड कैसे निकलेगा, तो जेड वन इंटू जेड टू का मॉड। तो जब मॉड निकालना होता है तो क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर होता है और प्लस में इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर होता है, अरे हाँ है ना। जैसे कि सपोज दैट कि जेड इक्वल्स टू अभी मैंने लिखा एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड में मैंने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो है ए सी माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि डी ए प्लस बी सी का भी होल स्क्वायर होगा, है ना। इतना तो हो गया। अब इसके बाद जो है इसको मैं सॉल्व करता हूं, क्या होगा सॉल्व करने के बाद, देखिए सॉल्व कैसे होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया ए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टू ए सी बी डी, ठीक है, टू ए इंटू बी होता है तो टू ए इंटू बी, जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहां पर देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है,
यानी कि डी ए स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा और टू ए बी सी डी ऐसा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक है माइनस टू ए बी सी डी और एक है प्लस टू ए बी सी डी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, अच्छी बात है, कैंसिल हो गया। अब बाकी जो बचा उसको मैं लिखने जा रहा हूं कि बाकी क्या बचा, तो बाकी क्या बचा सरकार, ये ए सी का होल स्क्वायर बचा प्लस यहां पर ये बी डी का होल स्क्वायर बचा प्लस डी ए का होल स्क्वायर बचा और प्लस बी सी का होल स्क्वायर बचा, यही तो केवल बचा हुआ है। हाँ हाँ यही बचा हुआ है, तो यानी कि जेड वन इंटू जेड टू का मैंने मॉड किया और वो निकल करके ये आ गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग जेड वन का मॉड और इंटू में जेड टू का मॉड करके देखते हैं कि क्या आता है। तो जेड वन का जब हम लोग मॉड करेंगे तो यहां पर मैं कर रहा हूं जेड वन का मॉड करेंगे तो वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया ना। और जब हम लोग जेड टू का जब हम लोग मॉड करेंगे तो वो होगा रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो होगा। इसके बाद इस दोनों चीज को क्या करना है कि आपको इंटू करना है, इंटू करना है यानी कि जेड वन का मॉड और इंटू जेड टू का मॉड को आपको इंटू करना है। तो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और फिर इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। तो जब ये इंटू होगा तो क्या करेंगे कि इसको रूट को कॉमन कर लेंगे हम लोग ऐसे, और यहां पर कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाँ अब इसके बाद क्या करेंगे कि आपस में सबको इंटू कर देंगे, सबको इंटू करेंगे और देखते हैं क्या होता है। ये ए स्क्वायर से सी स्क्वायर इंटू होगा तो ये होगा ए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये चीज उसे होना है तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर से होना है इसको तो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, इससे इसको होना है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए वही रिजल्ट आपके सामने आ गया होगा कि ए सी का स्क्वायर हुआ, फिर ए डी का स्क्वायर हुआ, फिर प्लस BC का स्क्वायर हुआ और फिर प्लस BD का स्क्वायर हुआ, ठीक है। BC का स्क्वायर हुआ फिर प्लस BD का स्क्वायर हुआ, सेम रिजल्ट है। AC का स्क्वायर यहाँ है, AD का स्क्वायर यहाँ है, DA है AD है बात बराबर है, BC का होल स्क्वायर वो यहाँ है और BD का होल स्क्वायर जो कि यहाँ है, ठीक है। यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से और हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो मॉड अंडर सॉरी हाँ यस यस मॉड अंडर जेड वन इंटू जेड टू है वो इक्वल टू होता है मॉड अंडर जेड वन इंटू मॉड अंडर जेड टू, ये हमेशा इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ भी हो चुका है, आप लोग इसको नोट कर ले पहले इस पोर्शन को इसके बाद इस पोर्शन को, चलिए चलिए हो गया है नोट। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये चीज है और इसको प्रूफ हम लोग करेंगे बिल्कुल। देखिए जेड वन इज इक्वल टू जेड वन, ये हो सकता है ए इक्वल्स टू ए, राम इक्वल टू राम, श्याम इक्वल टू श्याम, हो सकता है। तो उसी तरह से जेड वन इज इक्वल टू जेड वन तो हो ही सकता है, चलिए ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहां भी बटे में कर देंगे जेड टू और इंटू में भी कर देंगे जेड टू, यानी कि जेड टू से इंटू और डिवाइड दोनों चीज कर देना है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोनों तरफ जो है हम लोग मॉड अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ हम लोग मॉड अप्लाई कर दिए, ठीक है। दोनों तरफ मॉड अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि मॉड अंडर जेड वन हो गया और अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करके इस तरह से इसको हम लोग छांट देंगे, छांटने का मतलब हो गया कि जेड वन बाय जेड टू का मॉड कर देंगे और इंटू में जेड टू का मॉड हम लोग अलग से कर सकते हैं, अगर ऐसा रहता है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। कोई भी कंप्लेक्स नंबर होगा इस तरह से ए इंटू बी और इसका अगर मॉड होगा तो हम लोग मॉड अंडर ए इंटू मॉड अंडर हम लोग बी कर सकते हैं। उसी तरह से ये चीज यहाँ पर है एक चीज और ये है दूसरा चीज, तो एक ये कम्प्लेक्स नंबर है दूसरा ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर का मॉड अलग और इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। इसके बाद ये इधर इंटू में है तो इधर किस में आना है भाई साहब, डिवाइड में आना है, यानी कि ये हो गया मॉड जेड टू और ये हो जाएगा जेड वन अपॉन जेड टू का होल मॉड, ठीक है। तो यानी कि ये चीज भी यानी कि ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया, इसको भी नोट कर ले, चलिए चलिए हो गया नोट। चलिए अब आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल फाइव क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 2-3i, ये कम्प्लेक्स नंबर है 2-3i और इसी का आपको निकालना है इसके
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जेड इंटू जेड इनवर्स दीजिए और ये इक्वल टू वन आएगा, ठीक है, ये इक्वल टू वन आएगा। तो जेड इनवर्स को ही हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस चीज के बारे में भी मैंने बता रखा है और वो होगा आपके क्लास नंबर टू होगा बिल्कुल, है ना। क्लास नंबर टू में ये सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, सारा चीज। तो वहां से आप देख सकते हो और भी डिटेल में। तो यानी कि हमको जेड इनवर्स निकालना है, चलिए पता चल गया। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग अभी अभी हम लोग जस्ट पढ़े हुए हैं कि जेड इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि जेड इंटू मॉड जेड, सॉरी जेड इंटू जेड कंजुगेट, ये होता है मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने अभी लिखा कि ये जेड कंजुगेट और अपॉन में मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है। ये तो फॉर्मूला था अभी, हाँ ना, जेड इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, जेड कंजुगेट बाय मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो हम लोग जेड कंजुगेट तो निकाल ही सकते हैं, यहां से अगर हम लोग निकालेंगे जेड का कंजुगेट तो क्या निकलेगा, देखिए जेड का कंजुगेट निकालेंगे तो ये निकलेगा 2 + 3i, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के आगे में जो भी साइन है उसको हम लोग केवल चेंज कर देते हैं, वही उसका कहलाता है कंजुगेट। तो ये हो गया 2 + 3i और अपॉन में मॉड जेड, मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो मॉड जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो मॉड जेड पर निकलेगा क्या, तो रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9 और इसी का स्क्वायर होगा, क्योंकि मॉड जेड तो ये निकला मेरा रूट अंडर 4 + 9, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में वो है। तो ऊपर में हो गया 2 + 3i और नीचे में हो गया स्क्वायर और ये रूट कट गया और 9 4 13, यानी कि अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, यानी कि 2 by 13 और 3 by 13i, यानी कि 2 by 13 ये हो गया रियल पार्ट और 3 by 13 ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, और इस तरह से ये जेड इनवर्स मेरा निकल भी गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी भी अगर आप फॉर्मूला भूल गए सपोज दैट, और अगर आपसे कोई भी अगर इनवर्स पूछ दे तो क्या कीजिएगा वहां पर फिर, तो जेड इज इक्वल टू, सॉरी जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/z होता है, हाँ यार, तो 1/ और 2 - 3i होगा। इसके बाद इसके कंजुगेट से हम लोग ऊपर भी इंटू कर देंगे और नीचे भी इंटू कर देंगे, अरे हाँ यार, चूंकि कल ही मैंने इस चीज के बारे में बताया था कि नीचे में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए जब लोग 8-9 में एक टर्म करते थे रेशनलाइजेशन, उस प्रोसेस का नाम था, उसी तरह से यहाँ पर एक नाम है कंजुगेट। तो नीचे वाले से हम लोग कंजुगेट, नीचे वाले कंजुगेट से हम लोग दोनों तरफ इंटू कर देते हैं, दोनों ऊपर और नीचे भी। तो ऊपर में हो गया 2 + 3i और नीचे कितना हो गया a - b a + b, देखिए तो फॉर्मूला नजर आ रहा है कि a - b into a + b, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 4 हो गया और माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है सर 3i और इसी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 + 3i अपॉन में 4 - 3 का स्क्वायर 9 और i स्क्वायर का i स्क्वायर। अब i स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है कि -1 होता है और -1 अगर यहाँ होता है तो यहाँ पर ये -1 और ये एक यहाँ माइनस और है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 3i अपॉन में ये 13 हो जाएगा, यानी कि एक निकलेगा 2/13 इसका रियल पार्ट और 3/13 ये इसका निकलेगा इमेजिनरी पार्ट। तो रिजल्ट जो है वो दोनों जगह से बिल्कुल सेम आता है। फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा शॉर्ट बनेगा, अगर आपको थोड़ा थ्योरी के हिसाब से अगर चलोगे तो वहां पर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है, बाकी सारा चीज सिंपल है। चलिए नोट कीजिए इसको, आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 था, चलिए हो गया नोट। देखिए अब आपका टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसको भी हम लोग देख लें एग्जाम्पल 6 को। और एग्जाम्पल 6 में जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका दो पार्ट में दिया गया है क्वेश्चन, एक है 5 + √2i है और अपॉन में है 1 - √2i। अब इसको आपको a + ib के फॉर्म में आपको इसको लाना है, तो a + ib के फॉर्म में ये आएगा कैसे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है कि नीचे जो भी है उसका कंजुगेट से ऊपर भी इंटू कर दीजिए और उसका कंजुगेट से ही नीचे भी इंटू कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा कि 5 + 5 से उसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5 √2i, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √2i,
इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा टू आई स्क्वायर, चूंकि रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू हो गया, सॉरी टू हो गया ये, और आई इंटू आई आई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया देखिए फाइव हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस हो गया, माइनस वन हो गया, ये हो गया माइनस टू, और यहाँ से ये i को कॉमन कर लेंगे, तो चलिए चलो कॉमन क्या करना है, फाइव रूट टू और प्लस रूट टू यानी कि सिक्स रूट टू, सिक्स रूट टू आई, और अपॉन में वन माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये टू हो जाएगा और ये हो जाएगा आई स्क्वायर, पांच में से दो चला गया तीन बचा, और ये हो गया सिक्स रूट टू आई, और अपॉन में आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया माइनस वन, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, और ये टू है, तो टू और प्लस वन ये हो गया थ्री, और ऊपर में हम अगर थ्री कॉमन कर ले तो ये बच गया इतना, और नीचे में भी थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये क्या रहा वन प्लस टू रूट टू आई, वन प्लस टू रूट टू आई, ठीक है, ये चीज रहा आपका, ये चीज क्या हो गया आपका, देखिए ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये आ गया, ठीक है, तो ये काम करना था। इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट भी आपका दिया गया है, और वो है आई टू दी पावर माइनस 35, बिल्कुल एक दूसरा पार्ट है, और वो है आई टू दी पावर माइनस 35, ऐसा है, इसको इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस 35 भी है ना भाई, हाँ बिल्कुल, सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है आपको, तो करना क्या है आपको कि जो ये आई टू दी पावर माइनस 35 है इसको हम लोग 1 बाय आई टू दी पावर 35 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ऊपर में माइनस है तो ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये प्लस में अपने आप चेंज हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या सिखाया कि जो 35 है उसको आप लोग 4 से डिवाइड दो, ठीक है, बिकॉज क्योंकि आई टू दी पावर 4 का ही वैल्यू है जो कि मेरा 1 आता है, इसीलिए 4 से डिवाइड दो और 35 को 4 के मल्टीपल में लाने का प्रयास करो, तो 35 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 4 8 32 हो गया और बच गया कितना रिमाइंडर में 3 बच गया, तो यानी कि आई टू दी पावर डिवाइजर इनटू क्वेशेंट एंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेड, है ना, डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर गिव्स अस डिवाइडेड, तो फिर आई टू दी पावर 4 इंटू 8, अब ये 8 4 32 हो गया 32, और यहां से अगर हम लोग प्लस कर देंगे आई टू पावर 3 तो फिर ये अब ये ठीक है, क्योंकि बेस सेम है पावर जुटेगा और 8 4 32 3 35, ठीक है, अब 1 बाय आई पे पावर 4 है इसका वैल्यू 1 होगा, इस पूरे का वैल्यू मेरा 1 होगा, और 1 पे पावर आपका जो मर्जी चाहे आप डाल दो वो नहीं होगा, यानी कि ये हो गया केवल आई क्यूब। अब जब नीचे में ऐसा रहे तो आपको नीचे में प्रयास करना है कि आई टू दी पावर 4 ला दे, कैसे आएगा तो आई से ऊपर भी इंटू नीचे भी इंटू, जिस कारण से कि नीचे में इंटू होकर के ये बन गया आई टू दी पावर 4 और ऊपर में ये इंटू होकर के बन गया केवल आई। अब नीचे आई टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 होता है तो यानी कि आई बटे 1 यानी कि आई हो गया, तो इसका रिजल्ट हो गया आई, ठीक है, ये आई क्या है भाई साहब, ये आई का है, फर्स्ट क्लास आपको देखना पड़ेगा इसके लिए, चलिए इसको भी नोट कीजिए, बहुत अच्छी बात नोट हो गया है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं कि अगर x इक्वल टू कुछ दे दिया, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है और वो है 3 - 5i / 2, ये x इक्वल टू दे दिया गया है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 2x³ + 2x² - 7x + 72, ठीक, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहां से जो ये दिया गया है, जो चीज दिया गया है उसी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, 2x = हो जाएगा 3 - 5i और 2x - 3 हो जाएगा -5i, अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर तो हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा -5i का होल स्क्वायर, तो ये तो बन गया a - b का होल स्क्वायर, वो चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 4x²
और प्लस में ये 9 और माइनस में 12x, ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये बन गया 12x इज इक्वल टू, ये बन गया 25 का आई स्क्वायर, हाँ या ना, 25 का आई स्क्वायर। अब ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 और ये इक्वल टू, ये हो गया माइनस 25, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 25। इस माइनस 25 को हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा प्लस 25 में, इक्वल टू ये बन गया ये 0। अब 25 और 9 को हम अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा सर, ये होगा 25 यानी 25 और प्लस 9 को हम ऐड करेंगे तो ये होगा मेरा 31, सॉरी लेकिन जो रेफरेंस बुक होते हैं उन किताबों में ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया जाता है। अब सीबीएसई वाले को यहाँ पर होता है दिक्कत, क्या करके इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए मैं वो आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर जो है ये एक इक्वेशन निकल गया, जो चीज दिया हुआ था उसी चीज से मैंने एक ऐसे करके मैंने एक इक्वेशन निकाली, ठीक है। अब इक्वेशन निकालने के बाद ये हुआ कि इस पूरे का वैल्यू कितना है, 0 है, तो आप इसको इस तरह से तोड़ो, इस तरह से तोड़ो जो कि ये चीज आ जाए। अब कैसे आ जाए, तो इस चीज से अगर मैं उसको डिवाइड दे दूं तो टूट जाएगा, तो टूट जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 34 से डिवाइड देना है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 को, तो किससे इंटू करेंगे, जो कि ये 2x क्यूब आएगा, तो 1/2 यानी कि हाफ होगा पहले, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 2 है और 1x होगा, तो ये 2x क्यूब आ जाएगा। अब इससे इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 17 में 34 यानी 17x और जीरो रहेगा यहाँ प्लस का, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा और ये 6 2 8 8x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 17 और 7 24x और 1 हो गया यहाँ पर 1। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कि 8x स्क्वायर है तो 4 है और यहाँ पर 8 है, यानी कि हमको प्लस 2 से इंटू करना पड़ेगा तभी तो आएगा ये 8x स्क्वायर, फिर यहाँ से 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 24x और 34 में 72 हो जाएगा, हाँ ना, नहीं नहीं 72 कहाँ से होगा, 68 होगा, और इसको ऐसे करके हम माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया और ये प्लस माइनस माइनस और ये घट कर भी कितना आएगा सर, 4 आएगा, यानी कि इसे उसको डिवाइड किया और कितना आया, 4 आया। इसका एक ही मतलब है कि डिवाइडेड इज इक्वल टू, यानी कि 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 इज इक्वल टू, यानी कि डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, तो डिवाइडेड कितना है, बिल्कुल 4x स्क्वायर है माइनस 12x है और प्लस 34 है, तो ये हो गया डिवाइजर और डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना है x बाय 2 प्लस 2 x बाय 2 प्लस 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है 4, तो यानी कि डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आ गया। अब देखिए कि इस पूरे का वैल्यू कितना था, 0 था, तो यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू का 0 है सर, तो 0 इनटू समथिंग करेंगे तो 0 ही ना होगा, मीन्स की ये हो गया 0 प्लस 4 और 0 प्लस 4 का 4, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा, 4 होगा, तो इसका जो वैल्यू पूछा गया था वो कितना होगा, 4 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप इस तरह से बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमको ऐसा क्वेश्चन रेफरेंस बुक में ही माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा क्वेश्चन जो है वो रेफरेंस बुक में ही देखने को अभी तक मिला है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं भी ऐसा अगर काम अगर आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। चलिए इसको नोट कीजिए और इस टाइप क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए हो गया है नोट।
देखिए एक नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे करके दिया गया है कि z = 1 + i cos थीटा और अपॉन में दिया गया है 1 - 2i cos थीटा और कहा गया है कि इसमें थीटा का वैल्यू निकालिए, जबकि जो ये जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, एक कंडीशन यहां पर दिया गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल नंबर है, और प्योरली रियल नंबर कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का वो जीरो होगा। ठीक है, प्योरली रियल कहने का मतलब हुआ कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा इसका पूरा जीरो होगा, यही होगा। तो यानी कि इसका हमको वैल्यू निकालना है, कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखिए 1 + i cos थीटा अच्छी बात है, और नीचे में 1 - 2i cos थीटा है। करेंगे क्या, किसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे इंटू कर देते हैं, क्योंकि नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका हम किस तरह से सेपरेट नहीं कर सकते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो हमको इसको इंटू करना ही पड़ेगा। तो उसके कंजुगेट से मैंने क्या किया, इंटू कर दिया ऊपर भी और इंटू कर दिया उसके नीचे भी, ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब 1 से 1 इंटू होगा 1 बचेगा, आई कॉस थीटा से इंटू करेंगे 1 को तो ये आई कॉस थीटा ही रहेगा, इसके बाद में 1 से करेंगे इसको इंटू तो ये 2i cos थीटा ही रहेगा, और फिर आई कॉस थीटा से करेंगे तो ये 2i² cos² थीटा हो जाएगा। हाँ है ना, 2 × i² × cos² थीटा, और नीचे में क्या होगा, a - b a + b, ये तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2i cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1 + i cos थीटा और +2i cos थीटा, ये बन गया 3i cos थीटा है ना, और ये हो गया -2 cos² थीटा। क्यों, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1 - 1 से इंटू होगा, तो -2 cos² थीटा हो गया, और नीचे क्या हो गया भाई साहब, 1 माइनस और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4i² cos² थीटा। अब देखिए, अब मजे की बात यह है कि यहाँ से रियल पार्ट को आप यहाँ से सेपरेट कर सकते हो और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ से आप अलग कर सकते हो, ये यहाँ से हुआ मजे की बात, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, ये मैजिक है और इस मैजिक को किसी को किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस, अब आई इस पर का वैल्यू होता है -1 और माइनस एक यहाँ पहले से, यानी कि ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 4 cos² थीटा, यानी कि 1 + 4 cos² थीटा, और वो सेपरेट कैसे होगा, 1 - cos² थीटा अपॉन में 1 + 4 cos² थीटा हो गया, और प्लस यहाँ पर i को जरा हम लोग बाहर में निकले और ये हो गया 3 cos थीटा अपॉन में 1 + 4 cos² थीटा, ये हो गया इसका रियल पार्ट सेपरेट और उधर ये हो गया वो इमेजिनरी पार्ट उसका सेपरेट। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि ये प्योरली रियल नंबर है, तो जब ये प्योरली रियल नंबर है तो मीन्स यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या होगा भाई साहब, जीरो होगा, तो ये इसको इसका हो गया रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट हो गया इसका ये वाला, यानी कि यहाँ से ये हो गया कि 3 cos थीटा पर अपॉन में 1 + 4 cos² थीटा ये मेरा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला चीज होना है, क्योंकि ये जब प्योरली रियल नंबर है तो फिर वो वाला चीज तो मेरा जीरो होगा ही, तो यहाँ से 3 cos थीटा = कितना हुआ, जीरो, और cos थीटा और क्या कि cos थीटा भी कितना हुआ, जीरो हो गया। तो जब cos थीटा का वैल्यू जब जीरो हो जाता है तो थीटा कितना होता है, चला गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो वहां पर भी आप देख सकते हो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और वो बेसिकली थंबनेल में ही ऐसा होगा दिया हुआ कि इफ cos थीटा इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल टू, ठीक है ना, ऐसा तो वहां से आप देख सकते हो। और अगर cos थीटा इक्वल टू अगर जीरो होता है तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2n + 1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू जीरो, यानी कि जो थीटा का जो मान होगा वो होगा 2n + 1 × π/2, और जहां पर की जो ये n है, ये जो छोटी वाली n, ये छोटी n कहां पर करेगी, इंटीजर में बिलोंग्स करेगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप बिल्कुल बना सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, देखा गया है क्वेश्चन, तो इसको जो है वो आप नोट कीजिए। चलिए, हो गया नोट। चलिए, आज का एक लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो, कि a + ib
इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी है। ठीक है, ये गिवन है, ये चीज दिया गया है। इसके बाद आपको प्रूफ करना है क्या कि अच्छा ठीक, आपको प्रूफ करना है यहाँ पर ये कि प्रूफ दैट क्या प्रूफ करिए आप कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये चीज आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। कैसे होगा प्रूफ, देखिए कहीं ना कहीं ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कहीं ना कहीं मॉड का स्क्वायर है। ठीक है, ये मॉड कर दीजिएगा तो इसका इसका स्क्वायर हो जाएगा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का और ऊपर में से रूट भी लग जाता है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद रूट तो खत्म हो जाएगा। यानी कि पहले मॉड अप्लाई करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है तो रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा। तो पहले क्या करेंगे, अप्लाई मॉड, अप्लाई मॉड अगर करेंगे यहां पर पूरा फूल लिख लेना है मॉडुलस बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा ए प्लस आई बी का मोड सी प्लस आई डी का मोड ई प्लस आई एफ का मोड जी प्लस आई एच का मोड और ए प्लस आई बी का मोड, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इधर भी पूरा मोड करेंगे इधर भी पूरा मोड करेंगे तो फिर मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी है कि अलग अलग मॉड चल जाता है। जैसे कि अभी मैंने कहा ना कि जेड वन इंटू जेड टू में अगर होल मॉड करेंगे तो जेड वन का मॉड हो जाएगा और इंटू जेड टू का मॉड हो जाएगा। तो यही वाला प्रॉपर्टी मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया और मैंने यहाँ इस तरह से इसको कर दिया। इसका मॉड क्या होगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में इसका मॉड क्या होगा रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में इसका मॉड होगा ई स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर इसका मॉड होगा जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर और इसका मॉड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये होगा रूट अंडर ऐसा। अब फिर से कर देना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हैस प्रूफ हो गया जो चीज बोला गया था वो चीज आ गई। ठीक है, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे उधर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये चीज आ गई। तो एक पहले बार मोड अप्लाई करना है और इसके बाद जो है उसको स्क्वायरिंग कर देना है, वो चीज आपका प्रूफ होकर के आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा मोड का प्रूफ आपको देगा और देख करके जो है ना वो घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना भी नहीं है और क्वेश्चन को जो है आप इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली जो है वो वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय। I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get